हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम लोग दोबारा वैसे रिपीट करेंगे। वैसे तो हम लोग पहले भी ए बी सी से लेकर जेड तक कर चुके हैं, लेकिन कभी हमने एक साथ में जेड तक नहीं किया था। तो आज हम लोग ए से लेकर जेड तक करेंगे। स्मॉल और कैपिटल लेटर सीखेंगे विथ एग्जाम्पल कि ए फोर क्या होगा, बी फोर क्या होगा, सी फोर क्या होगा। ये एक मेरे ख्याल से इजी होगा, आपको पूरा सब कुछ ए टू जेड तक आपका एक रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ए फॉर एप्पल, ये मैंने पहले पतले उससे किया था, स्केच पेन से, लेकिन वो ज़्यादा क्लियर नहीं था, इसलिए मैं अब मोटा थिक पॉइंट वाला स्केच पेन ले रहा हूँ ताकि क्लियर रहेगा। नाउ लेट्स कम ऑन बी। बी फॉर बॉल, आप देख ही रहे हैं, बी फॉर बॉल, आप कैपिटल बी ऐसे लिखते हैं, हम लोग स्मॉल बी ऐसे लिखते हैं। आई होप आप लोगों को पता ही होगा अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी मेरे पिछले वीडियो देख के। तो नाउ सी, अब सी फॉर काव, राइट? तो सी फॉर काव, ये स्मॉल लेटर भी आप सी का देखने कैसे लिखा है। नाउ लेट्स कम ऑन डी। डी फॉर डक, तो कैपिटल डी हमारा ऐसे लिखा जाता है, स्मॉल डी हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है आपके लिए, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। नाउ लेट्स कम ऑन ई। ई फॉर एलिफेंट, ये कैपिटल ई है, ये स्मॉल ई है। नाउ एफ फॉर फिश, ये स्मॉल एफ, पहले आपका कैपिटल एफ था। नाउ लेट्स कम ऑन जी। जी फॉर गर्ल, ये कैपिटल जी है और स्मॉल जी कुछ इस तरह से हम लोग लिखते हैं। नाउ लेट्स कम ऑन एच। एच फॉर हैंड, आप उसका हैंड कैसे होता है आप देख ही रहे हैं, तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। आई फॉर आइसक्रीम, ये कैपिटल आई है, ये स्मॉल आई है, राइट? आई फॉर आइसक्रीम। नाउ जे, जे फॉर जार, ये कैपिटल जे है, ये स्मॉल जे है, ठीक है? हम लोग आ जाते हैं के पे। तो ये है कैपिटल के फोर होता है की, ठीक है, और ये स्मॉल के है। नाउ लेट्स कम ऑन एल, ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है आप लोगों के लिए कि एक किसी वर्ड के साथ में आपको एक उसका एग्जाम्पल मिल रहा है ताकि आपको रिमेम्बर करने के लिए आसानी रहेगी। नाउ ये एल था, एल फॉर लीव, पत्ती जिसे कहते हैं। एम, नाउ एम एम फॉर मून, राइट? ये नए नए एग्जाम्पल्स हैं सारे अल्फाबेट्स के, तो आई थिंक आपको इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। नाउ एन, एन फॉर नेट, नेट होता है ना, देखिए। नाउ लेट्स कम ऑन ओ। ओ फॉर ऑक्टोपस, ये है स्मॉल ओ। नाउ लेट्स कम ऑन पी। पी फॉर पिग, ये स्मॉल पी है। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने और याद करने वाले लिए हैं, बहुत इजीली से याद हो जाएगा। नाउ क्यू, क्यू फॉर क्वीन, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए गाइस। नाउ आर, आर फॉर रग, रग मीन्स होता है जो कारपेट होता है ना हम लोग बिछाते हैं वो। नाउ लेट्स कम ऑन एस। एस फॉर स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी तो सब खाते हैं, तो वो कौन से अल्फाबेट से शुरू होता है? एस। नाउ टी, टी फॉर ट्रेन, ट्रेन पे तो सब लोग बैठे होंगे, राइट? टी किससे शुरू होता है? ट्रेन किससे शुरू होता है? टी से। नाउ यू, यू फॉर अम्ब्रेला, आजकल बारिश का सीजन है तो हम लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं अम्ब्रेला को, तो वो किससे शुरू होता है? यू से, अम्ब्रेला। वी, वी फॉर वास, वास उसे कहते हैं जो जिसके अंदर हम लोग फ्लावर रखते हैं ना, उसे वास कहते हैं। ना डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर व्हील, ये आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने देखा नहीं होगा, ये बैलगाड़ियों में यूज होता है या टांगे वगैरह में।
नाउ एक्स, एक्स फॉर जाइलोफोन. नाउ लेट्स कम ऑन वाई, ये भी आप लोगों ने शायद चलाया होगा. वाई फॉर यो यो, यो यो हनी सिंह नहीं, यो यो एक तो आया ठीक है. जेड, नाउ लेट्स कम ऑन जेड. जेड फॉर जीब्रा या जेड फॉर जेब्रा, अपने इंडियन है ना हम लोग. तो आई होप आप लोगों को मजा आएगा ये सब करने में. चलिए अब स्टार्टिंग से रिपीट कर लेते हैं. ई फॉर एप्पल, ये कैपिटल है, स्मॉल है, इसका होता है एप्पल. बी, बी फॉर बॉल. सी, सी फॉर काउ. डी, डी फॉर डक. ई, ई फॉर एलिफेंट. एफ, एफ फॉर फिश. जी, जी फॉर गर्ल. एच, एच फॉर हैंड. आई, आई फॉर आइसक्रीम. जे, जे फॉर जार. नाउ के फॉर की. एल, एल फॉर लीफ. एम, एम फॉर मून. एन, एन फॉर नेक्स्ट. ओ, ओ फॉर ऑक्टोपस. पी, पी फॉर पिग. क्यू, क्यू फॉर क्वीन. आर, आर फॉर रग. S for strawberry. T for train. U for umbrella. And now V for vase. W for wheel. X for xylophone. Y for yo-yo. And Z for zebra. I hope आप लोगों को A to Z तक एकदम perfectly clear हो गया होगा और आप लोग इसे अच्छे से बाहर याद कर लेंगे. तब तक मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में. See you.